हेलो गाइस, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल लॉस्ट इन स्टडीज। तो दोस्तों, जैसा कि हमने अपनी प्रीवियस वीडियो में क्लास सेवन्थ के साइंस के चैप्टर विंड्स, स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन से रिलेटेड कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस किए थे, तो दोस्तों आज की इस वीडियो में भी हम उसी चैप्टर से रिलेटेड कुछ और इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस एक क्विज की फॉर्म में करने जा रहे हैं। तो दोस्तों, इसलिए वीडियो को एंड तक जरूर देखें ताकि आपको कोई भी क्वेश्चन मिस ना हो। और गाइस, अगर आपने अभी तक इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट नहीं देखा है तो मैंने उसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, आप चाहें तो वहां पे जाके भी उसे देख सकते हैं, क्योंकि गाइस वो वीडियो भी आपके एग्जाम टाइम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट साबित हो सकती है। और गाइस, अगर आप मेरे चैनल पे नए हैं और आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज इसे सब्सक्राइब करें और साथ में नोटिफिकेशन बेल जरूर दबाएं ताकि आपको मेरी आगे आने वाली और भी ऐसी ही वीडियोस के अपडेट्स मिलते रहें। और गाइस, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करना ना भूलें। तो चलिए दोस्तों, अब अपनी वीडियो को आगे बढ़ाते हैं और देखते हैं इस वीडियो के फर्स्ट पार्ट के बोनस क्वेश्चन का आंसर। सो द करेक्ट आंसर ऑफ आवर बोनस क्वेश्चन इज ए, 24 आवर्स। सो गाइज, अ साइक्लोन वार्निंग इज इशूड 24 आवर्स इन एडवांस। तो चलिए दोस्तों, अब आज की अपनी क्विज स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना आज का फर्स्ट क्वेश्चन। सो हियर इज द क्वेश्चन नंबर 1 ऑन योर स्क्रीन। इन समर द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज डैश द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द ओशियन, एंड द ऑप्शंस आर ए लोअर देन, बी हायर देन, सी सेम एज, एंड डी नन ऑफ दीज। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं, और जैसा कि आप जानते हैं कि आपको इसका आंसर देने के लिए 10 सेकंड्स का टाइम मिलेगा। सो योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप दोस्तों, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी, हायर देन। सो गाइस, इन समर द टेम्परेचर ऑफ द लैंड इज हायर देन द टेम्परेचर ऑफ वाटर इन द ओशन। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 2 ऑन योर स्क्रीन। द विंड्स फ्रॉम ओशियंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, दीज आर कॉल्ड, एंड द ऑप्शंस आर ए टोर्नेडो, बी साइक्लोन, सी टाइफून, एंड डी मानसून विंड्स। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी, मॉनसून विंड्स। सो गाइस, द विंड्स फ्रॉम ओशियंस कैरी वाटर एंड ब्रिंग रेन, दीज आर कॉल्ड मॉनसून विंड्स। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर। सेकेंड साइक्लोन इन ओरिसा वॉज अकम्पनीड बाय वाटर वेव्स अबाउट डैश हाई, एंड द ऑप्शन आर ए 5 मीटर, बी 12 मीटर, सी 9 मीटर, एंड डी 7 मीटर। सो गाइज, इफ यू नो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन देन यू कैन टेक्स्ट योर आंसर इन द कमेंट सेक्शन, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप फ्रेंड्स, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी 9 मीटर। सो गाइस, सेकंड साइक्लोन इन ओरिसा वाज अकंपनीड बाय वाटर वेव्स अबाउट 9 मीटर हाई। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर, एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 4 ऑन योर स्क्रीन। एयर एग्जर्ट्स प्रेशर इन, एंड द ऑप्शंस आर ए ऑल डायरेक्शंस, बी अपवर्ड्स ओनली, सी डाउनवर्ड्स ओनली, एंड डी साइडवेज ओनली। तो दोस्तों, अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो आइए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए ऑल डायरेक्शंस। सो गाइस, एयर एग्जर्ट्स प्रेशर इन ऑल डायरेक्शंस। तो चलिए दोस्तों, बढ़ते अपने अगले क्वेश्चन की ओर, और ये रहा क्वेश्चन नंबर 5 आपकी स्क्रीन पर। व्हाट इज द नंबर ऑफ होमलेस पीपल हिट बाय साइक्लोन ऑन 18th अक्टूबर 1999 इन ओरिसा, एंड द ऑप्शंस आर ए 10 लाख, बी 8 लाख, सी 5 लाख, एंड डी 7 लाख। तो दोस्तों, अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं, एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं।
So the correct answer of this question is D, 7 lakh. So guys, there are 7 lakh homeless people hit by cyclone on 18th October 1999 in Odisha. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 6th ऑन योर स्क्रीन. ऑन 29th October 1999 ओडिशा वाज हिट बाय अ साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ एंड द ऑप्शंस आर ए 230 किलोमीटर पर आवर, बी 260 किलोमीटर पर आवर, सी 250 किलोमीटर पर आवर एंड डी 210 किलोमीटर पर आवर. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर आता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी 260 किलोमीटर पर आवर. सो गाइस ऑन 29th अक्टूबर 1999 ओडिशा वाज हिट बाय साइक्लोन विद विंड स्पीड ऑफ 260 किलोमीटर पर आवर. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने अगले क्वेश्चन की ओर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 7th आपकी स्क्रीन पर. अ साइक्लोन इज नोन एज डैश इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट एंड द ऑप्शंस आर ए टाइफून, बी साइक्लोन, सी हरिकेन एंड डी टोर्नेडो. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी हरिकेन. सो गाइस अ साइक्लोन इज नोन एज हरिकेन इन अमेरिकन कॉन्टिनेंट. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 8th ऑन योर स्क्रीन. द डायरेक्शन ऑफ विंड गेट्स रिवर्स्ड, इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन इन एंड द ऑप्शंस आर ए विंटर, बी समर्स, सी मानसून एंड डी नन ऑफ दीज. तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए विंटर्स. सो गाइस द डायरेक्शन ऑफ विंड गेट्स रिवर्स्ड, इट फ्लोज फ्रॉम द लैंड टू द ओशन इन विंटर्स. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 9th आपकी स्क्रीन पर. विच ऑफ द फॉलोइंग नेचुरल डिजास्टर इज कैरेक्टराइज्ड बाय थंडर एंड लाइटनिंग एंड द ऑप्शंस आर ए फ्लड, बी टोर्नेडो, सी साइक्लोन एंड डी थंडरस्टॉर्म. तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करें. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं कि इसका सही आंसर क्या है. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज डी थंडरस्टॉर्म. सो गाइस थंडरस्टॉर्म इज अ नेचुरल डिजास्टर व्हिच इज कैरेक्टराइज्ड बाय द थंडर एंड लाइटनिंग. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. और ये रहा क्वेश्चन नंबर 10th आपकी स्क्रीन पर. व्हाट हेल्प्स अस टू अनाउंस साइक्लोन अलर्ट एंड द ऑप्शंस आर ए मून, बी सैटेलाइट, सी स्टार्स एंड डी सबमरीन्स. तो दोस्तों अगर आपको इसका आंसर आता है तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं. एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ. टाइम अप गाइस. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी सैटेलाइट. सो गाइस सैटेलाइट हेल्प्स अस टू अनाउंस अ साइक्लोन अलर्ट. तो चलिए दोस्तों अब बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 11th ऑन योर स्क्रीन. रैपिड एक्सपेंशन ऑफ एयर ड्यू टू लाइटनिंग कॉज एंड द ऑप्शंस आर ए टोर्नेडो, बी साइक्लोन, सी फ्लड एंड डी थंडर. So guys, if you know the correct answer of this question, then you can text your answer in the comment section. And your time starts now. Time up guys. तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं. So the correct answer of this question is D, thunder. So guys, rapid expansion of air due to lightning cause thunder. तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर. एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 12th ऑन योर स्क्रीन. फ्रॉम वेयर डू द मॉनसून विंड्स कम टू इंडिया
एंड द ऑप्शंस आर ए साउथ वेस्ट, बी साउथ ईस्ट, सी नॉर्थ वेस्ट एंड डी नॉर्थ ईस्ट। तो दोस्तों अगर आप इस क्वेश्चन का सही आंसर जानते हैं तो आप अपना आंसर जल्दी से कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज ए साउथ वेस्ट। सो गाइस द मॉनसून विंड्स कम टू इंडिया फ्रॉम साउथ वेस्ट। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और ये रहा क्वेश्चन नंबर 13 आपकी स्क्रीन पर। बैनर और फ्लैग्स फ्लटर व्हेन विंड इज ब्लोइंग बिकॉज एंड द ऑप्शंस आर ए एयर ऑक्यूपाइज स्पेस, बी एयर इज कलरलेस, सी एयर एक्सर्ट्स प्रेशर एंड डी एयर एक्सपेंड्स ऑन हीटिंग। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज सी एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। सो गाइस बैनर और फ्लैग्स फ्लटर व्हेन विंड इज ब्लोइंग बिकॉज एयर एक्सर्ट्स प्रेशर। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज द क्वेश्चन नंबर 14 ऑन योर स्क्रीन। सडन अकरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ क्लाउड्स इज कॉल्ड एंड द ऑप्शंस आर ए साइक्लोन, बी लाइटनिंग, सी थंडर एंड डी स्टॉर्म। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बताएं एंड योर टाइम स्टार्ट्स नाउ। टाइम अप गाइस, तो चलिए अब इसका आंसर देखते हैं। सो द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन इज बी लाइटनिंग। सो गाइस सडन अकरेंस ऑफ लाइट ड्यू टू फ्रिक्शन ऑफ क्लाउड्स इज कॉल्ड लाइटनिंग। तो चलिए दोस्तों बढ़ते अपने बोनस क्वेश्चन की ओर एंड हियर इज अ बोनस क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन। विच मॉडर्न टेक्नोलॉजीज हैव मेड इजियर टू मॉनिटर साइक्लोन एंड द ऑप्शंस आर ए रेडियो एंड टेलीविजन, बी टेलीविजन एंड सैटेलाइट, सी रेडार एंड रेडियो एंड डी रेडार एंड सैटेलाइट। तो दोस्तों अगर आपको इस क्वेश्चन का सही आंसर पता है तो आप अपना आंसर कमेंट करके बता सकते हैं और जैसा कि आप जानते हैं कि बोनस क्वेश्चन है तो इसका आंसर आपको मेरी नेक्स्ट 7th की साइंस की वीडियो सॉइल में मिलेगा। सो गाइस थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो और आज की इस वीडियो में बस इतना ही, फिर मिलेंगे अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ।